किसान न्याय यात्रा को लेकर आप सांसद भगवंत मान पहुंचे उत्तराखंड। इस दौरान देहरादून प्रदेश कार्यालय में आप उपाध्यक्ष रजिया बेग ने एक पत्रकार वार्ता कर उनके आगामी दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे के बारे में जानकारी दी। नवभारत समाचार देहरादून उत्तराखंड से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट। उत्तराखंड का पूरा किसान जो कि एक लांछन लगाया जा रहा था भाजपा गवर्नमेंट की तरफ से, और इवन जो हमारे प्रदेश में उत्तराखंड प्रदेश में भी ये कहा जा रहा था कि उत्तराखंड का किसान है ही नहीं, और है ही नहीं तो लाखों की तादाद में कल आपके सामने निकल के गया, राहत पहुंचाने के लिए पहुंचे हैं। और दिलीप मान जी 29 तारीख को उत्तराखंड में रहेंगे, उनका मैं आपको प्रोग्राम बता देती हूँ कि किस किस तरीके से होगा 29 तारीख को उनका प्रोग्राम। ये उनका 29 तारीख को काशीपुर में है, उनकी सभा भी होने वाली है काशीपुर में, और जगह के रास्ते ये काशीपुर में होने वाला है। इसके बाद में हमारा है 29 तारीख को ही विधानसभा बाजपुर समय दोपहर 2 बजे स्थान रामराज रोड किसान मंडी पे होगा, और 29 तारीख को ही होना है विधानसभा रुद्रपुर समय 4 बजे स्थान श्याम टाकिज रोड कंचन तारा होटल। आप भी आम आदमी पार्टी में आए हैं और आप खुद एक किसान हैं, तो क्या कुछ लगता है इस पूरे आंदोलन को लेकर जो किसान आज नाराज बताए जा रहे हैं केंद्र सरकार से? अगर किसान नाराज है तभी वो सड़कों पे है, इतने सालों में सब कुछ चल रहा था। अगर आज की डेट में जो केंद्र सरकार ने ये 3 काले कानून लाए हैं वो एक्सेप्ट, पहले तो किसानों ने कुछ मांगा नहीं, आप बिना किसी वजह बिना किसी के मांगने पे आप किसी को क्यों देना चाहते हैं? और जब आप जो बना रहे थे तब किसी किसान से कोई भी वार्तालाप हुआ नहीं, और अब आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि निजी बहुत अच्छे हैं। अगर अच्छे हैं तो इतने किसान सड़कों पे क्यों बैठे हैं? तो आपको लगता है कि जो उग्रवादी कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है, वो गलत है सरासर? देखो, जो खालिस्तानी कहा जा रहा है वो तो सरासर बेइंसाफी है सरकार की। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, हम हिंदुस्तानी हैं। कोई भी किसी ने कोई बात, कोई जो उग्रतंत्र है हर जगह पे होता है, वो क्या बोलता है उसके आम आदमी को उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जो ये कहना है कि खालिस्तानी है, खालिस्तानी ना कोई कहता है, जो हिंदुस्तानी है वो हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी ही रहेगा। तो क्या लगता है क्यों सरकार आपकी नहीं सुन रही है? क्योंकि इतनी बैठकें भी हो चुकी हैं, कृषि मंत्री के साथ आप किसानों की बैठकें हो चुकी हैं, फिर भी ऐसा कोई संतुष्ट जवाब अब तक नहीं मिल पा रहा है, या कोई कानून में कोई संशोधन नहीं हो पा रहा, ना आप चाहते हैं कि कानून में संशोधन हो, आप यही चाहते हैं कि तीनों बिलों को वापस लिया जाए, तब भी कोई ये वापस सरकार क्यों नहीं वापस? जब वहां पे जाके मीटिंग होती है, वहां पे मीटिंग में वो कह रहे हैं संशोधन करने के लिए तैयार है, तो हमारी यही मांग है कि आप संशोधन करना चाहते हैं आप उसको अमेंडमेंट करिए। इसका मतलब वो कानून अगर आप बनाया पहले, इसका मतलब नहीं ठीक बना, ना ठीक बनने के बाद अगर आप उसको अमेंड करना चाहते हो तो उसको कैंसिल ही कर दो ना। शुरू से आप जो बनाना चाहते हो हर किसान को मद्देनजर रखते हुए उनसे डिस्कशन करके, तो वो नया कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता? इस पर सरकार का संशोधन को लेकर ये कहना है कि आपके द्वारा ये सुझाव दिए जा रहे हैं जो कि सही नहीं है, सुझाव ऐसे दिए जाएं जो कि संशोधन में जो कानून में लागू भी हो सकें। अगर सरकार ने कानून बनाया हो किसके लिए बनाया है? सरकार ने जो कानून बनाया है वो किसानों के लिए बनाया है। अगर किसान ही खुद उससे संतुष्ट नहीं है तो बना के उसको अमेंड करते हैं या उसको नहीं करते, उसको उसका कोई उसके साथ रेलेवेंस है ही नहीं है, तो उसको कोई ऐसी चीज नहीं है जो बनी है वो हट नहीं सकती। ये सिर्फ बीजेपी का एक अंदरूनी वो है कि हम इसको अगर बदलाएंगे तो बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए किसानों का हमारा यही मत है कि हम ये कानून जो 3 है वो रद्द होंगे। मान साहब।